बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको जैसे पहले भी मैंने अपने लेक्चर्स में बताया था कि इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली फोर हेडिंग्स होती हैं, जिसमें एक एक्सरसाइज डिज़ाइन की, फिर सैंपल, सैंपल के बाद इंस्ट्रूमेंट और उसके एंड पे लिखते हैं प्रोसीजर। और जो हम अपनी रिसर्च मेथडोलॉजी में प्रोसीजर लिखते हैं, बेसिकली इट्स अ प्रोसीजर ऑफ डाटा कलेक्शन, कि हमने एक डाटा को कैसे कलेक्ट किया, अपने पार्टिसिपेंट्स को कैसे अप्रोच किया। और इसको जब आप लिखते हैं तो एक स्टोरी लाइक होता है, या मैं आपको इसका आसान बताऊं तरीका, कि आप जब किसी ऐसे इंडिविजुअल को कम्युनिकेट करना चाहें, फॉर एग्जांपल जो ले पर्सन है, जो आपके सब्जेक्ट का नहीं है, साइंटिफिक कम्युनिटी से नहीं भी बिलोंग करता, वो आपसे एक क्वेश्चन करे कि आपने कैसे रिसर्च की है, तो आप उसे बताते हैं कि आपने इस तरह से डाटा कलेक्शन की, इस तरह से लोगों को अप्रोच किया। बस हम अब इसमें डिटेल के में पढ़ते हैं कि जब हम प्रोसीजर लिखते हैं तो उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जो रिक्वायर्ड होती है, और उसे किस तरह से रिपोर्ट किया जाता है। इसके लिए मैंने एक रिसर्च टाइटल लिया, लीडरशिप स्टाइल्स एज प्रिडिक्टर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स इन मैनेजर्स। तो इससे जैसे कि पता चला, ये ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का एक टॉपिक है, और इसमें हम देखें कि 20 एज़ यूजुअल मैंने 20 जो इसके एस्पेक्ट्स होंगे उनकी एक चेकलिस्ट बनाई है, और वो चेकलिस्ट जो होगी वो आप आगे एस्पेक्ट्स देखेंगे कि उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, और वो जो चेकलिस्ट है उसमें हम खुद को, आप लोग भी खुद चेक कर सकते हैं कि क्या आपका कोई भी फीचर, कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोसीजर से रिलेटेड मिसिंग तो नहीं है। ये वो 20 एस्पेक्ट्स हैं, की फीचर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है गेटिंग अथॉरिटी लेटर, परमिशन लेटर आप डिपार्टमेंट से लेते हैं। आपको डिपार्टमेंट का यूजली हेड जो है वो, जहाँ से आप डिग्री कर रहे हो, तो वो आपको परमिशन लेटर देते हैं, जिसके ऊपर दो बातें लिखी होती हैं। एक ये लिखा होता है कि आप उनके स्टूडेंट हैं, यानी आपकी इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी, और सेकेंडली आपका रिसर्च का टॉपिक भी मैंशन करके, बल्कि कुछ रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जिन इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हैं उनको, कि वो आपको उससे कोऑपरेट कर लें। वो आप बेसिकली परमिशन लेटर भी कहते हैं उसको, अथॉरिटी लेटर भी कहते हैं, जो आपको फ़ायदा देता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए लोगों से, अपने पार्टिसिपेंट को अप्रोच करने के लिए। उसके बाद सेकंड में हम लिस्ट कंपाइल करते हैं कि हम कहाँ कहाँ से, किन किन इंस्टीट्यूशन से, किन किन ऑर्गेनाइजेशन से डाटा लेंगे, और किन, और अगर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से नहीं ले रहे तो किस किस एरिया से डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर हम, जब एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन से डाटा कलेक्ट करेंगे, आपने हर सूरत उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे या कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, उनसे परमिशन लेनी है, विदाउट गेटिंग परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डाटा कलेक्शन इज इलीगल, तो आप एंड हाईली अनएथिकल, आपने इस चीज़ से बचना है। हाँ, अगर आप वैसे रियल लाइफ सेटिंग में आप हाउस होल्ड से, मार्केट से डाटा लेते हैं, लोगों से को वैसे पर्सनली अप्रोच करते हैं, तो आपको जाहिर है इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इंस्टीट्यूशंस में अगर से लोग प्रैक्टिसेस तो करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं स्टूडेंट्स को जाके डाटा कलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट से, हॉस्टल से, लेकिन ये अनएथिकल है, इलीगल है, क्योंकि जब तक आप अथॉरिटीज़ को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, उन्हें नहीं बताते कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो ये एथिकल नहीं है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। फिर जब आप परमिशन ले लेते हैं, और वो उसके बाद हम क्या करना होता है, हमें डिसाइडिंग मोड ऑफ डाटा कलेक्शन, आपने ये डिसाइड करना है कि आपको डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या की इन्फॉर्मेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप फोर प्रोविंसेस से डाटा ले रहे हैं, अगर आप क्रॉस कल्चर स्टडी कर रहे हैं, पाकिस्तान से ले रहे हैं और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से ले रहे हैं, तो आपको की इन्फॉर्मेट चाहिए होंगे जो वहाँ पर आपकी जगह पर डाटा कलेक्ट करें, तो ये आपने मैंशन करना होता है कि खुद किया या की इन्फॉर्मेट्स ने किया है। डिसाइडिंग सेटिंग्स ऑफ डाटा कलेक्शन इंडिविजुअल और ग्रुप सेटिंग, हम एक यूनिवर्सिटी में जाके इंडिविजुअल स्टूडेंट से भी ले सकते हैं, और क्लास में जाके ग्रुप से भी ले सकते हैं, ये आपने मेंशन करना है। रेपो बिल्डिंग आपने कैसे की, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पार्टिसिपेंट रिलेटेड टू इंक्लूजन क्राइटेरिया, जब भी आपकी जो सैंपल आप लेते हैं उसका कोई इंक्लूजन क्राइटेरिया तो होता है। अगर आप लिखते हैं एडोलसेंट्स, इसका मतलब एक स्पेसिफिक एज है जिससे आप ले रहे हैं। अगर आप लिखते हैं कि मैनेजर्स, इसका मतलब एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन है, तो आप इंक्लूजन क्राइटेरिया जो है उसको इंश्योर करते हैं। फिर रिस्पॉन्डिंग रिफ्यूजल्स विद डिसेंसी, उस वक्त हमें पता चलता है कि जब लोग हमें रिफ्यूज़ कर देते हैं, और या वो कोई एक्सक्यूज़ बनाते हैं
और उसके बाद आपको चाहिए कि आप डिसेंट वे में उन्हें स्माइलिंग फेस के साथ उसको एक्सेप्ट कर लें कि इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, तो बेहतर यही है बजाय, क्योंकि उससे ये होता है कि आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, इसके बाद जो लोग रिसर्च कंडक्ट करते हैं, कभी उनके पास विजिट करते हैं, तो उन्हें एटलीस्ट ये पता होता है कि यू आप सिविलाइज हैं, एजुकेटेड हैं और आपके पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं। फिर इंट्रोड्यूसिंग स्टडी टू द विलिंग पार्टिसिपेंट्स, आपने स्टडी जो पार्टिसिपेंट विलिंग होंगे उनको बताना है स्टडी के बारे में। फिर इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, आप उन्हें क्योंकि एपीए के एथिकल प्रिंसिपल्स हैं कि आप इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करते हैं, वो किसी और से शेयर नहीं करते, किसी रेलिवेंट पर्सन को नहीं डिटेल्स बताते, उनके राइट टू प्राइवेसी को आप प्रोटेक्ट करते हैं। फिर आपने ये क्लियरली कम्युनिकेटिंग द पॉसिबल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लियरली आपने बताना है कि ये एक एकेडमिक रिसर्च है और आप एक बेसिकली इसे कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रा करना चाहते हैं और इस रिसर्च के पर्पस के लिए ये इंफॉर्मेशन यूज होगी, इसके अलावा इसका कोई और पर्पस नहीं है। कम्युनिकेटिंग द राइट टू विदड्रॉ इन्फॉर्मेशन, आपने उन्हें क्लियरली मैंशन करना होता है कि ये विदड्रॉ कर सकते हैं, गेटिंग साइंड कि वो विदड्रॉ कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी भी स्टेज पे, गेटिंग साइंड इन्फॉर्म कॉन्सेंट, इन्फॉर्म कॉन्सेंट ले लेते हैं रिटर्न उनसे, और प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन अबाउट स्केल कंप्लीशन, आप उन्हें यूनिफॉर्म गाइडलाइंस देते हैं कि स्केल को कैसे आपने कंप्लीट करना है, आंसरिंग द क्वेरीज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। फिर इसमें एक ये है कि जो पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, जो उनकी क्वेरीज होती हैं उनको आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, डिसाइडिंग टाइम एलोकेटेड फॉर स्केल कंप्लीशन, ये समटाइम्स कुछ स्केल टाइम बाउंड होते हैं, कुछ नहीं होते टेस्ट, ये भी आप मेंशन करते हैं, ऑब्जर्विंग द एटीट्यूड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, स्कैनिंग द स्केल आफ्टर कंप्लीशन, स्केल कंप्लीट होने के बाद आप देखते हैं कि जब वो आपको रिटर्न करते हैं पार्टिसिपेंट, आप एक बार देख लें उसको कि कहीं से कुछ रह तो नहीं गया, या डबल स्कोरिंग की हुई हो तो आप आइडेंटिफाई कर लें। शोइंग ग्रेटिट्यूड, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर इंसेंटिव ही नहीं दिया जाता और कोई टेंजिबल बेनिफिट नहीं दिया जाता, तो आपको चाहिए कि आप उन्हें थैंकफुलनेस शो करें और एक्सप्रेस करें ग्रेटिट्यूड और उन्हें अप्रिशिएट करें कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कैलकुलेटिंग रिस्पॉन्स रेट, अगर आपने 400 दिए हैं तो उसमें से कितने रिटर्न हुए ये आपने मेंशन करना है। अब हम देखते हैं कि इन सब को, ये सब जो होते हैं इनको कैसे की फीचर्स को एड्रेस किया जाता है प्रोसीजर में। ये देखें, गेटिंग अथॉरिटी लेटर ऑब्टेंड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, आप अपने इंस्टीट्यूट से लेंगे। कंपाइलिंग द लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन आर टारगेटेड एरिया, आप कैसे करेंगे, लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, बैंक्स और यूनिवर्सिटीज ली गई इसमें। फिर था ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटी, रिटर्न परमिशन ऑब्टेंड ऑन अथॉरिटी लेटर, ठीक है, इन राइटिंग में ली गई, रिटर्न परमिशन ली गई ऑब्टेंड ऑन अथॉरिटी लेटर। डिसाइडिंग मोड ऑफ डाटा कलेक्शन, सेल्फ आर कीन फॉर्मेट, रिसर्चर्स पर्सनली कलेक्टेड डाटा। डिसाइडिंग सेटिंग ऑफ डाटा कलेक्शन, इंडिविजुअल ग्रुप डाटा वॉज कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स, रेपो बिल्डिंग्स, स्टेटिंग नेचर पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, अपने उन्हें बताया उस तरह रेपो बिल्डिंग की। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स रिलेटेड टू इंक्लूजन क्राइटेरिया, 6 month सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस एंड सुपरविजन ऑफ एटलीस्ट 5 employees वॉज इंश्योर्ड। और उसके बाद रिस्पॉन्डिंग रिफ्यूजल्स विद डिसेंसी, ओपनली एक्सेप्टिंग एक्सक्यूजेज ऑफ अनविलिंग पार्टिसिपेंट्स, आपने एक्सेप्ट की। इंट्रोड्यूसिंग स्टडी टू द विलिंग पार्टिसिपेंट्स, उन्हें मैंशनिंग स्टडी ऑब्जेक्टिव, उन्हें स्टडी के ऑब्जेक्टिव बताए। इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, स्टेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल। और क्लियरली कम्युनिकेटिंग द पॉसिबल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, और आपने क्या बताया, स्टेटिंग दैट इंफॉर्मेशन विल बी यूज फॉर रिसर्च जस्ट। कम्युनिकेटिंग द राइट टू विदड्रॉ द इन्फॉर्मेशन, प्रोविजन ऑफ राइट टू विदड्रॉ द इन्फॉर्मेशन, आपने ये राइट दी है कि आप इसे चाहें तो विदड्रॉ कर सकते हैं, जब दिल करे इसको छोड़ दें, नहीं दिल कर रहा तो। गेटिंग साइन इन्फॉर्म कॉन्सेंट, गेटिंग रिटर्न इन्फॉर्म कॉन्सेंट, आपने रिटर्न लेना है। प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन अबाउट स्केल कम्प्लीशन, क्लैरिफाइंग द नेचर ऑफ क्वेश्चन एंड रेटिंग स्केल, आपने उन्हें बताया कि ये स्टडी में ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसमें कोई गलत सही जवाब नहीं होता, रेटिंग स्केल का ये मीनिंग्स होते हैं। आंसरिंग द कोई क्वेरीज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, उनको स्केल कंप्लीट करने जब वो करने लगेंगे उससे पहले और उसके दरमियान में और उसके बाद में भी अगर वो कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको लाजमी उन्हें आंसर करना चाहिए।
डिसाइडिंग टाइम एलोकेटेड फॉर स्केल कम्प्लीशन द स्टडी वाज नॉट टाइम बाउंड, ये जो रिसर्च है ये टाइम बाउंड नहीं थी, लेकिन आप डिसाइड भी कर सकते हैं अगर वो वाकई उसका कोई फायदा हो। ऑब्जर्विंग द एटीट्यूड ऑफ द पार्टिसिपेंट, ऑब्जर्विंग पार्टिसिपेंट्स ओवरऑल एटीट्यूड, आप देखें कि उनका क्या इंटरेस्ट उन्होंने शो किया नहीं किया, रिलेक्टेंट थे या नहीं थे, या उन्होंने कोई बात ऐसी की हो कि जिससे शो हो कि वो पॉजिटिव हैं, उन्हें अच्छा लगा ये काम करके। स्कैनिंग द स्केल्स आफ्टर कम्प्लीशन, आइडेंटिफाइंग इनकम्प्लीट एंड डबल रेटेड क्वेश्चन, जाहिर है कि वो आपको स्केल दे देंगे, आप देख लें कोई अगर उन्होंने इंटेंशनली अनइंटेंशनली उनसे कोई सेल एम्प्टी रह गया हो, किसी क्वेश्चन का आंसर ना दिया हो, तो उन्हें कहीं काइंडली इसको दोबारा आंसर कर दें। या अगर डबल रेटेड हो, यानी एक ही क्वेश्चन के आगे बाज़ुकात क्या होता है, वो दो सेल्स में जब जल्दी करते हैं तो आंसर लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के आगे उन्होंने स्ट्रांगली डिसएग्री पे भी लगा दिया और साथ डिसएग्री पे भी, तो उन्हें कहेंगे क्लियर कर लें कि इन दोनों में से कौन सा सही है। उसके बाद शोइंग ग्रेटिट्यूड फॉर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, अगर उन्होंने विदाउट इंसेंटिव, जो कि हमारे यहाँ अक्सर ऐसे होता है कि इंसेंटिव नहीं दिया जाता पार्टिसिपेशन के लिए, कोई पे नहीं किया जाता, तो उनको आप ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो करें, ज़रूर उन्हें अप्रिशिएट करें। फिर इसमें देखें कैलकुलेटिंग रिस्पांस रेट, 300 आउट ऑफ 400 वैलिड बुक लेट्स वर रिटर्न्ड और रिस्पांस रेट वाज 75%, 400 दी उसमें से 300 वैलिड मीन्स जो कंप्लीट थी इन ऑल रिस्पेक्ट्स, वो आपको वापस मिली, तो ये रिस्पांस रेट हुआ 75%, तो हिट रेट 75% और हमारे पास मिस रेट हुआ 25%। अब हम इसको प्रॉपर जब प्रोसीजर जो है उसको पढ़ते हैं तो वो कैसे नज़र लगता है। अथॉरिटी लेटर वाज ऑब्टेन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, और वो जो ऑब्टेन किया वो क्या बता रहा था, इंश्योरिंग द इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन विद द डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन स्टेटिंग दैट रिसर्चर इज कंडक्टिंग अ रिसर्च फॉर द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ डिग्री ऑफ BS इन साइकोलॉजी, या जो भी डिग्री हो, कि वो दो बात बता रहा था कि इसका ये जो हमारा स्टूडेंट है वो सेकेंडली ये इस चीज़ पर रिसर्च कर रहा है। लिस्ट ऑफ टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स बैंक्स एंड यूनिवर्सिटीज वाज कंपाइल्ड, आपने लिस्ट बना ली कि इन इन इदारों में मैंने जाना है। कंसर्नड अथॉरिटीज इन द टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशंस वर कॉन्टेक्टेड एंड रिटन परमिशन फॉर डाटा कलेक्शन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस वाज ऑब्टेंड ऑन अथॉरिटी लेटर, उसी अथॉरिटी लेटर को जाके विजिट किया ऑर्गेनाइजेशंस को जो आपने लिस्ट बनाई थी, और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, जैसे इसमें तीन ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटल्स में मेडिकल सुपरिटेंडेंट और बैंक में बैंक मैनेजर और यूनिवर्सिटीज में जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, उनसे मिले और उनसे अथॉरिटी लेटर पे साइन ले लिए कि यहाँ से मैंने डाटा लेना है। द रिसर्चर पर्सनली, या यूनिवर्सिटी में जाके आप रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं उससे परमिशन ले लें। द रिसर्चर पर्सनली अप्रोच द पार्टिसिपेंट्स फॉर डाटा कलेक्शन, ये जो मोड ऑफ डाटा कलेक्शन है कि आप की इन्फॉर्मेट नहीं यूज़ किए, खुद डाटा कलेक्ट किया। डाटा वर कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स, आपने ग्रुप में ना जाके नहीं लिया, इंडिविजुअल से लिया है। नेचर पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी वर शेयर विद द पार्टिसिपेंट्स फॉर रेपो बिल्डिंग। अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंक्लूजन क्राइटेरिया वॉज आस्क्ड टू द पार्टिसिपेंट्स एंड ओनली दोज पार्टिसिपेंट्स वर फर्दर इंगेज इन द स्टडी हु मेट द क्राइटेरिया बेस्ड ऑन 6 month मैनेजेरियल एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस एंड सुपरविजन ऑफ एटलीस्ट 3 एम्प्लॉइज एंड सबॉर्डिनेट्स। इसमें किया ये कि आपने उनसे पहले, जब आपकी रेपो बिल्डिंग थोड़ी सी होगी, आपने अपने बारे में बता दिया कि मैं वहाँ से हूँ और अपनी स्टडी के बारे में थोड़ा सा बता दिया, फिर साथ ही आप पूछ लेते हैं कि ये आपका जॉब एक्सपीरियंस कितना है, और आप उसका एज अ हेड, एज अ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, एज अ बैंक मैनेजर, आपका कितना मैनेजेरियल एक्सपीरियंस है। तो उसने अगर बता दिया 6 month से वो ज़्यादा था और एटलीस्ट वो 3 लोगों को सुपरवाइज, उसकी इमीडिएट सुपरविजन में थे, तो इसका मतलब उसने आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया मीट किया, उससे फिर आगे बात चलाएं, नहीं तो उधर ही उन्हें थैंक यू कह दें कि जी मेरा क्राइटेरिया ये था, तो इसलिए फिर बहुत शुक्रिया। और उनमें से जो अनविलिंग हैं उनको आपने विलिंग, दोज हु मेट द क्राइटेरिया वर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी, ठीक हो गया। और उसके बाद जब जो नहीं मीट करते उस क्राइटेरिया को, एक्सक्यूजेज ऑफ द अनविलिंग पार्टिसिपेंट्स वर एक्सेप्टेड विद द स्माइलिंग फेस, ये इंसान का बड़ा इम्तिहान होता है कि एक बंदा आपको रिफ्यूज़ कर रहा है, कोई एक्सक्यूज बन कर रहा है, तो आप फिर भी अपना टेम्पो लूज नहीं करते और आप उससे डिसेंट वे में बात करते हैं। उसके बाद आपने जब
स्टडी ऑब्जेक्टिव वाज शेयर्ड विद द विलिंग पार्टिसिपेंट, जो जिन्होंने कहा कि हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और क्राइटेरिया को भी वो पहले मीट कर रहे थे, तो उनको अपने स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स बताया कि इस तरह की रिसर्च है। दे वर आल्सो कम्युनिकेटेड दैट दे कैन विदड्रॉ देयर इन्फॉर्मेशन बिफोर ड्यूरिंग एंड इवन आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द स्केल्स। उनको आपने क्लियरली बता दिया कि आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है रिसर्च के लिए, चाहें तो आप इसको किसी भी स्टेज पे विड्रॉ कर देते हैं कर सकते हैं और हम आपको रिटर्न कर देंगे। द पार्टिसिपेंट्स वर, और इसको डिस्कार्ड कर देंगे हम अपने डाटा सेट से। द पार्टिसिपेंट्स वर आस्क्ड टू साइन द इन्फॉर्म कंसेंट, आपने उनसे साइन लेने हैं इन्फॉर्म कंसेंट के ऊपर, और उसके बाद रिसर्चर पर उन्हें स्ट्रक्चर्ड जो इंस्ट्रक्शंस दी आपने, यानी कि यूनिफॉर्म्ड होनी चाहिए, सबको एक तरह की इंस्ट्रक्शंस दें और स्केल कम्प्लीशन से रिलेटेड, उसकी क्वेश्चंस की नेचर से रिलेटेड और उसके रेटिंग स्केल को की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। द रिसर्चर आंसर द क्वेरीज ऑफ द पार्टिसिपेंट बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्केल्स कम्प्लीशन, आपने जिस वक्त भी वो आपसे क्वेश्चन करेंगे इस पूरे प्रोसीजर के दौरान आपने उनको आंसर देना है। 25 to 30 मिनट्स इसमें कंज्यूम किए गए और उनका जो ओवरऑल एटीट्यूड था और वो उनका बेसिकली इंकरेजिंग था और उन्होंने इंटरेस्ट शो किया। और स्केल कंप्लीट करने के बाद रिसर्चर ने उनको स्कैन किया कि अगर डबल रेटेड क्वेश्चंस हैं या अगर इनकम्प्लीट रह रहे हैं तो वो उनसे फिल किए करवाए जा सकें। और उसके बाद जो जो रिसर्चर ने उनको स्पेशली ग्रेटिट्यूड शो किया, उनको थैंकफुलनेस शो की, इसलिए कि उन्होंने बगैर किसी इंसेंटिव के आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट किया और अपना टाइम दिया आपको। और एंड पे जब सारे क्वेश्चन रिटर्न हो गए तो हमें पता चला कि उसमें से जो हम वैलिड हमारे पास आए हैं वो 75% थे, और क्योंकि 400 जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किए उसमें ओनली 300 जो थे वो कंप्लीट थे इन ऑल रिगार्ड्स। उसके बाद जो जैसे आपको बताया था कि ये मेथड फर्स्ट लेवल की हेडिंग के नीचे चार हेडिंग्स होती हैं, रिसर्च डिजाइन सैंपल इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोसीजर, और ये प्रोसीजर की जो हेडिंग है ये इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और ये प्रोसीजर की हेडिंग है यहाँ पे देखें सेकंड लेवल की, और ये प्रोसीजर की हेडिंग आ गई सेकंड लेवल की। ये इसके नीचे इस तरह से प्रोसीजर लिख लेंगे और उस जो प्रोसीजर होगा रेगुलर होता है कंप्लीट, और उसके बाद 12 इसका फॉन्ट साइज होता है। उम्मीद है आपको फ़ायदा हुआ होगा, और आपने इसमें भी दो बातें याद रखनी है, ना इनमें से किसी एस्पेक्ट को मिस करना है किसी जो इसके की फीचर था 20 में से, और ना इस आर्डर को आपने डिस्टर्ब करना है ताकि ये एक स्टोरी लाइक नज़र आए और जो पढ़ने वाला है उसको इंटरेस्टिंग लगे और उसको कहीं से कोई चीज़ स्किप होती नज़र ना आए। और उम्मीद है आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको ये हमारा काम अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।